जस्टिस लीग में साइबॉर्ग ने सुपरमैन के ऊपर क्यों अटैक किया था? क्या उसका डिफेंस सिस्टम इतना डम है कि ये बिना किसी वजह के किसी पर भी अटैक कर देता है? तो इसका रीजन जानने के लिए तुमको जस्टिस लीग का स्नाइडर वर्स देखना होगा। वहाँ पे मूवी के ओपनिंग सीन में दिखाया जाता है कि जब सुपरमैन डूम्सडे के हाथों घायल होता है, तब उसके मुंह से निकली हुई आवाज शॉकवेव के रूप में कई हजारों मील दूर तक जाता है। इसके तुरंत बाद जितने भी मदर बॉक्सेस पृथ्वी पर है वो सभी एक्टिवेट हो जाती है, चाहे वो अमेजन में हो या फिर अटलांटिस पर। यानी मदर बॉक्सेस को पता चल जाता है कि सुपरमैन मर चुका है। लेकिन जब फिर से सुपरमैन जिंदा होकर साइबॉर्ग के सामने खड़ा होता है, तब उसका डिफेंस सिस्टम जो कि मदर बॉक्स से ही बना हुआ है, वो सुपरमैन को एक पोटेंशियल थ्रेट समझकर वार करने लगता है। यहाँ पे साइबॉर्ग नहीं बल्कि मदर बॉक्स से मिली एलियन टेक्नोलॉजी उसके सिस्टम को कंट्रोल कर रही थी।